हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का विद मीनाक्षी में आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा लच्छा पराठा बनाएंगे ढेर सारी परतों वाली जिसे हम गिन ही नहीं पाएंगे तो आप उसे इस तरह से परतदार पराठा कहें या लच्छा पराठा कहें तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए वीडियो के अंत तक बने रहें मैं आपको बताऊँगी कि लच्छा पराठा कैसे बनाया जाए तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं इस रेसिपी को तो हम कैसे बनाएंगे लच्छा पराठा यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक कटोरी छान के मैदा ले लिया है लगभग एक कटोरी या आप कब से भी नाप सकते हो तो यहीं पे मैंने दो चम्मच गेहूँ का आटा ले लिया है छान वो भी मैंने छान लिया था पहले ही अब यहीं पे मैं डाल दूँगी आधी चम्मच नमक यहीं पे मैं एक चम्मच घी डाल दूंगी मोयन के लिए घी डालने के बाद हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से कनकण में घी मिक्स हो जाए और हमें बिल्कुल रोटी बनाते उसी तरह से आए आटा लगाना है रोटी, रोटी बनाते करीब करीब उसी तरह लेकिन हमें थोड़ा सा ढीला गुंथना है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गुँथना है क्योंकि हम पर पराठा यानी लच्छा पराठा बना रहे हैं तो हमें ढीला आटा चाहिए तो इस तरह से हम बढ़िया से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इस तरह से घुस लेंगे अब हमें यहाँ आटे को बहुत ज़्यादा यानी अच्छे से हमें मलना है ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो ये बढ़िया से अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई और हमारा एक इस डो की तरह तैयार हो गया है करीब करीब हमें एक से दो मिनट तक बढ़िया अच्छे से इस तरह से मलना है डो की तरह हमने बिल्कुल बढ़िया से तैयार कर लिया आटे को अब यहीं पे हम घी लगा के ढक के छोड़ देंगे लगभग बीस से पच्चीस मिनट के लिए तो इस तरह से ढक्कन से ढक के रख देंगे अब यहाँ पे हमारे 20 से 25 मिनट हो गए हैं अब हम आटे को चेक कर लेते हैं तो देखिए कितना अच्छा सा यानी बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है अब यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म पर बना रही हूँ आटा बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है अब मैं यहाँ पर करीब करीब तीन लोई बना लूँगी इस तरह से जिस तरह से हम रोटी बनाते बिल्कुल उसी तरह से तो इस तरह से तीनों लोई हम इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे इसी तरह से लोई बना के हम पहले रख लेंगे फिर हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे तो इस तरह से हम पहले मैदा अच्छे से प्लेटफॉर्म पे फैला लेंगे अच्छे से और हम थोड़ा थोड़ा अपने हाथों पे घी या ऑयल लगा के तो मैंने यहाँ घी लगा लिया और इस तरह से गोल गोल कर लें आप उसके बाद आप इसे बेलन की सहायता से बिल्कुल बहुत ही अच्छे से यानी पतले सी रोटी की तरह बड़ी बेल के तैयार कर लें इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा मैदा इस तरह से लगाते रहना है थोड़ा थोड़ा मैदा लगा के हमें रोटी की तरह बिल्कुल यानी बहुत ही अच्छे से यानी बड़ी सी रोटी बेल के तैयार करनी है हमें बीच बीच में अगर आपको लगे तो आप थोड़ा सा मैदा इस तरह से ऊपर फैला के इस तरह से बेल लीजिए ये लीजिए हमने बिल्कुल बहुत बढ़िया से बेल के तैयार कर लिया है अब यहीं पर मैं डाल लगा दूँगी अच्छे से यानी चारों तरफ घी अच्छे से हम इस तरह से लगा लेंगे आप चाहे ऑयल से बना सकते हो लेकिन घी से ज़्यादा अच्छी बनती है तो इस तरह से हम घी लगा लेंगे अब हम थोड़ा सा मैदा ऊपर फिर इस तरह से फैला लेंगे और लगा लेंगे चारों तरफ उसके बाद हम चाकू की सहायता से इस तरह से पतली पतली सी परतें परतों की तरह इस तरह से काट लेंगे बिल्कुल पतली पतली सी परतों में काट के हमें इस तरह से तैयार करना है तो हमने सारी परतों को इस तरह से काट लिया है इसी तरह से हम रोटी की परतों को पतला पतला सा काट के इस तरह से तैयार कर लेंगे और हमने बढ़िया से काट लिया है अब हम इन्हें इकट्ठा कर लेंगे धीरे धीरे इकट्ठा करना है हमें अगर हाथ से हो रहा है तो आप हाथ से ही कर लीजिए नहीं तो आप चाकू की सहायता से इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए और हमें बिल्कुल नहीं मोड़ना है अब हम दूसरे साइड से भी इस तरह से मोड़ लेंगे दोनों ही तरफ से हम इकट्ठा कर लेंगे और हमने इकट्ठा कर लिया है दोनों ही तरफ से दोनों ही तरफ़ से इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे हमें मोड़ना बिल्कुल नहीं है इकट्ठा कर लिया है हमने सारी परतों को और यहीं पे हम फैला के यानी अंदर से इस तरह से फैला के इस तरह से घी लगा लेंगे यहीं पे हम थोड़ा मैदा भी लगा लेंगे और इस तरह से हम गोल यानी रोटी की तरह इस तरह से मोड़ के लोई बना लेंगे वापस से बाकी की बची हुई लोई को भी हम इसी तरह से बेल करके तैयार कर लेंगे तो हमने इस तरह से तीनों लोई जो हमने बनाई थी तीनों को बेल करके इस तरह से तैयार कर लिया है अब हम दोनों हाथों पर घी लगा लेंगे और हल्का हल्का सा इस तरह से हमें दबाते हुए पतला करना है आप जितना हो सके आपसे जितना पतला हो आप उतना पतला पराठा बना लीजिए हमें बेलन से बिल्कुल नहीं बेलना है इस तरह से धीरे धीरे हाथों पे घी ऑयल लगा के आप इस तरह से बना लीजिए पराठा हल्के हाथों से बिल्कुल ये लीजिए हमने पराठा बढ़िया से बना लिया है इस तरह से हाथों से अब यहीं पे मैं हल्की सी सौप डाल रही हूँ आप चाहें तो कलौजी भी डाल सकते हो इससे लोग बहुत ही बढ़िया आता है और हम मीडियम फ्लेम पे इस तरह से पराठे को पका लेंगे हमने घी पहले ही बहुत लगाया है बेलते समय अगर आपको लगे तो आप घी ज़रूर लगा लीजिए नहीं तो आप इस तरह से बिना घी में भी बना सकते हो तो मुझे यहाँ लग रहा था तो मैंने थोड़ा घी इस तरह से लगा लिया है और मीडियम फ्लेम पर इस तरह से हम पका लेंगे सारे ही पराठे हम इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं हमारे लच्छा पराठा ये लीजिए अब देखिए रोटी को और भी ज़्यादा ट्विस्ट लाने के लिए इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पुदीना पाउडर थोड़ी लाल मिर्च पाउडर थोड़ी काली मिर्च पाउडर और थोड़ी सी सौंप डाल के इस तरह से हम मसाला पराठा भी बना के तैयार कर सकते हैं तो ये लीजिए हमारे दोनों ही पराठे तैयार हैं बिल्कुल बन के आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू